How are you all? Welcome to everyone, my dear Shivsha students. बच्चों कैसे हो, मजे में ना? बच्चों आज हम इस वीडियो में पेज नंबर 32 से लेकर 34 तक हम सीखेंगे. तो बच्चों आज हम जो है सीखने जा रहे हैं वो है रू. तो रू कैसे बनता है सबसे पहले वो आप देखिए. तो सबसे पहले मेक अ स्लीपिंग लाइन, आफ्टर देन स्टैंडिंग लाइन, फिर बीच में दो क्रॉस लाइन करनी है जो एक दूसरे के साथ टच हो. ओके, तो ये एरो भी हो गया. हम इस तरफ से देखेंगे हम तो ये एरो भी हो गया. तो यहाँ पर जो हम क्रॉस लाइन दो टच करके करना है वो स्टैंडिंग लाइन है, फिर यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, और फिर हमें यहाँ पर मेक अ अल्फाबेट ई. ओके, या फिर उल्टा थ्री कर देना. तो ये हमारा रू बन गया. रीड एंड कलर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रू में कलर करना है आपका मनपसंदीदा. ये पूरा पेज आपको खुद ही करना है. रू से ऋषि, यहाँ पर रू लिखना है, और यहाँ पर रू से ऋषभ, यहाँ पर भी रू लिखना है. तो यहाँ पर सबको पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट. तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लीपिंग लाइन, आफ्टर देन स्टैंडिंग लाइन, बीच में दो क्रॉस लाइन जो एक दूसरे के साथ जोड़े. ओके, और फिर मेक अ अल्फाबेट ई. ओके, तो ये हमारा रू बन गया. तो आपको यहाँ पर रू लिखना है. फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट. क के साथ रू की मात्रा जुड़ती है तब क्रू बनता है. यहाँ पर देखो कि जब क के साथ रू की मात्रा मिलती है तब यहाँ पर क के नीचे बराबर क्रू की मात्रा बनती है. तो क्रू इसे पढ़ते कैसे है, क्रू क्रू ग्रू क्रू च्रू छ्रू, इस तरह से हम पढ़ते हैं. तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सब राइट इन एच डब्ल्यू थ्री टाइम्स, आपको तीन बार लिखना है. ओके, और अब आगे पेज नंबर हम 33 पर जाएंगे. पढ़ो सीखो और लिखो, रीड लर्न एंड राइट. आपको तीन बार लिखना है शब्द, आपको पढ़ना है और फिर बाद में तीन बार लिखना है. तो चलो बच्चों हम पढ़ेंगे और फिर आपको लिखना है. क्रू पा क्रू पा, प्रू था प्रू था, व्रू था व्रू था. व के साथ रू की मात्रा जुड़ी, ओके, इसलिए यहाँ पर व्रू हुआ. प के साथ रू की मात्रा जुड़ी इसलिए प्रू हुआ. यहाँ पर घ के साथ रू की मात्रा जुड़ेगी इसलिए ग्रू हो गया, तो ग्रू हुणा. फिर यहाँ पर आएगा दृश्य दृश्य, तृण तृण, अमृत अमृत, नृप नृप. आपको तीन बार लिखना है सारे के सारे वर्ड्स, बोलते जाना है और लिखते जाना है. ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रू से शुरू होने वाले शब्दों को राइट का निशान लगाओ. तो जो यहाँ पर है रू से शुरू होते तो ये ई से शुरू होता है तो राइट नहीं आएगा, रॉन्ग है. यहाँ पर ऋषि है तो ये रू से शुरू होता है तो राइट का निशान किया ही है. ये अ से शुरू होता है इसलिए रॉन्ग, ज से शुरू होता है इसलिए रॉन्ग. यहाँ पर रू श भ है तो रू से शुरू होता है इसलिए राइट का निशान लगाओ. रुजू, तो यहाँ पर रू से शुरू होता है इसलिए राइट का निशान लगाओ. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रू को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ. मेक द वर्ड्स बाय रीडिंग द रू इन द डायरेक्शंस ऑफ एरो. तीर की दिशा में हमें पढ़ना है. रू और सी को पढ़ो और दोनों को मिक्स करो तो रू शी हो गया, तो यहाँ पर रू शी लिखा ही है. फिर रू और तू, तो यहाँ पर हो गया रू तू. रू जू रू जू, हमें तीर की दिशा में पढ़ना है. रू हण, तो रू हण. ऋषभ ऋषभ, रू चा रू चा. ओके,
फिर हमें चित्र को पहचान कर नीचे उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमें चित्र को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट इट्स नेम। सबसे पहले ये पहला चित्र कौन सा है, तो आप सब बोलेंगे ऋषि का है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऋषि लिखना है, क्या करना है, ऋषि लिखना है। फिर हमारा ये दूसरा चित्र किसका है, तो आप सब बोलोगे कि ऋषभ का है, तो हमें यहाँ पर ऋषभ लिखना है। ये चलो ये कौन है, तो हम कहेंगे कृष्ण भगवान है, तो हमारा श्री कृष्ण है ये, तो हमें यहाँ पर श्री कृष्ण लिखना है। फिर ये राजा का चित्र है, लेकिन हमें रू की मात्रा वाले शब्द चाहिए, इसलिए रूप लिखना है, क्या, रूप, ओके, रूप। चलो अब हम पेज नंबर 34 पर जाएंगे। पेज नंबर 34 में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चित्र में रू को पहचान कर उसके ऊपर गोला लगाना है, ओके। सिर्फ यहाँ पर आपको कलर नहीं करना है, रंग नहीं पुरना है, ओके। आपको सिर्फ रू को पहचानना है और ऋषभ में रू को ढूंढना है और गोला लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऋषभ लिख लो, ऋषभ यानी कि बैल, और ऋषभ यानी कि बैल, ओके। फिर हमें यहाँ पर ऋषभ के चित्र में हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर रू लिखा है, तो उसके ऊपर गोला लगाओ। यहाँ पर है रू, रू के सर्कल करो, मेक अ सर्कल, रू रूश के ऊपर सर्कल करो, देर हर एक रू के ऊपर सर्कल करना है जो मैंने लगा कर रखे ही है, ओके। चलो अब हमें आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो है बिंदुओं को मिलाकर चित्र में रंग भरो और नाम लिखो। जॉइन द डॉट्स, कलर द पिक्चर्स एंड राइट इट्स नेम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ नौका, नाव, नौका, तो नाव बराबर। तो यहाँ पर हमें डॉट्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलो सबसे पहले हम डॉट्स को जोड़ेंगे ऐसे, ओके। तो यहाँ में ऐसे ही हम डॉट्स को जोड़ेंगे, ओके। ये हमारा डॉट्स सब जुड़ गया, राइट। तो अब ये हमारी नौका भी बन गई और ये यहाँ पर मेन भी बन गया एक। तो आपको यहाँ पर येलो कलर करना है, ब्राउन करना है और पानी भी ब्लू करना है। तो आपका मनपसंद का कलर यहाँ पर पूरना है, भरना है, ओके, फिल करना है, ओके। तो आपको मज़ा आया ना बच्चों। तो अब आपको खुद ही पेज नंबर 32 से लेकर 34 तक का करना है, वन टाइम इन टेक्स्ट बुक एंड वन टाइम नोटबुक, बट डोंट ड्रॉ पिक्चर्स, ओके, इन नोटबुक। Okay, goodbye my dear students.